लास्ट 2 से 3 साल में जो आईटी फील्ड, स्पेशली मैं कहूँ वेब डेवलपमेंट में जो उछाल आया है, वो मुझे नहीं लगता किसी और फील्ड में इतना आया है। तो क्या 2023 में भी सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड होने वाली है? तो क्या अगर आप प्लान कर रहे हो टू स्विच योर करियर इनटू वेब डेवलपमेंट, या फिर आप अभी डिसाइड कर रहे हो कि मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ, या फिर आप फ्रेशर हो एंड प्लानिंग टू स्टार्ट अ जॉब फ्रॉम 2023, तो ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करने वाली है सब कुछ इन डिटेल जानने के लिए। तो मैंने 5 मेन चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहला, कोर्सेस, कि आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए टू बिकम अ बेटर वेब डेवलपर विद बेटर पैकेज। सेकंड, द टेक्स्ट टैक यू शुड वर्क ऑन ड्यूरिंग योर कॉलेज, और इफ यू डन विद योर कॉलेज तब भी कौन से टेक्स्ट टैक आप फॉलो कर सकते हो टू गेट हायर पैकेज। थर्ड, द प्रोजेक्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को जरूर देखना। फोर्थ, कैसे आप अप्लाई करोगे जॉब में, इन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों पे हम बात करेंगे। पांचवा एंड इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा, सैलरीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर मैं कहूँगा इंडिया में अंडर वैल्यू काम कर रहे हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मैं ऐसे डेवलपर्स को भी जानता हूँ जो मुझसे बेटर हैं। जी हाँ, मुझसे बेटर है, बट उनका पैकेज मेरे पैकेज के अराउंड 50% भी नहीं है। आई कैन गिव यू अ नंबर ऑफ अराउंड 10 लाख, तो मैं 50% जैसे मैंने ज़्यादा बोल दिया, 25% लेते हैं, 5 लाख से भी कम उनका पैकेज है। सो ये गलती आप ना करो, कौन कौन सी गलतियाँ होनी चाहिए, तो बेसिकली कह सकते हो ये पूरा एक रोड मैप मैंने बनाया है इस वीडियो में, इन डिटेल आपको जानने को मिलेगा कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए और कैसे करके आप पा सकते हो 1 लाख प्लस पर मंथ अपना पैकेज। सो बिना इसी देरी के आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, पहले बात करते हैं कोर्सेज के ऊपर कि कौन कौन सा कोर्सेज इंडिया में बेसिकली अवेलेबल है टू बिकम अ बेटर वेब डेवलपर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्निकल कोर्स बीटेक बीसीए, जो दो ये कोर्सेज मेजरली कंपनी प्रेफर करती हैं, वो प्रेफर करती हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन, जो वेब डेवलपमेंट में नहीं होती आपकी, वो हटकर होती है। लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन C++, जावा, पाइथन। अब इन लैंग्वेजेस के लिए मेजरली कंपनी प्रेफर करती है बीटेक बीसीए स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये दोनों स्ट्रीम मेजरली फोकस करती है आपकी टेक्निकल। बट वेब डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी कोर्स पे आप कर रहे हो, आप स्टिल कैरी ऑन कर सकते हो वेब डेवलपमेंट। जी हाँ, क्योंकि मेजरली यू नीड टू वर्क विद द वेब। आपको इसमें DSA एल्गोरिथम का इतना इसमें खेल नहीं होता जितना पाइथन या C++ में होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप DSA ना सीखो और एल्गोरिथम ये सब ना सीखो तब भी आप अच्छे डेवलपर बन सकते हो। ये चीज़ भी ज़रूरी होती है JavaScript, React जिसके अंदर, बट नॉट इन दैट सर्टेनिटी जितनी पाइथन C++ चाहिए होती है। तो पहली पॉइंट तो ये, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर। तो ये पहली मैं मेजर एक क्लैरिटी देता हूँ सबको, आप चाहे BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, इफ़ यू हैव स्किल, आपको JavaScript आती है, आपको React JS आती है, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम अ वेब डेवलपर। एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया। बट अगर आप मुझसे एज अ 12th पास स्टूडेंट पूछ रहे हो कि मैंने अभी 12th कर लिया है एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू बिकम वेब डेवलपर, तो मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं हाई प्रेफर करूँगा BCA। आप BCA की तरफ जाइए। इंडिया में BCA में कहूँ जितनी तेज़ी से बढ़ा है, वो भी अगेन इतना कोई नहीं बढ़ा। द रीज़न बिहाइंड, बीटेक के अंदर क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना होता नहीं, छोड़िए क्या नहीं करना होता, ये बात करते हैं। आपको वहाँ पे मैकेनिकल से लेके इंजीनियरिंग, साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स से लेके हर चीज़ पढ़ाई जाती है, वरना आपको वेब डेवलपमेंट है। यू हैव डिसाइडेड, मतलब बीटेक में फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत चीज़ें कराई जाती हैं, तो आप उन सब चीज़ों में जा सकते हो। बट BCA में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कराया जाता है, जावा, C++, HTML, वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो आप खाली टेक्निकल सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हो, तो ये एक लिमिटेशन होती है BCA के अंदर। बट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड किया मुझे वेब डेवलपर ही बनना है, मुझे HTML, React, JavaScript में ही काम करना है, तो बीटेक की तरफ जाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। BCA इज़ द बेस्ट चॉइस। अब आप कहोगे कौन कौन से कॉलेज से मुझे करना चाहिए, सो बेटर अगर दिल्ली में हो या किसी अच्छे कॉलेज, किसी बड़े शहर में हो, तो जस्ट फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी लग चुकी है BCA बैकग्राउंड में। उसके अलावा आप किसी भी लाइक IB यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन से कॉलेजेस आप कर सकते हो, तो ये थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा स्टेट वाइज कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। तो ये तो आपका BCA के लिए हो गया। अब बात करते हैं आपके टेक्सटेक कि आपको क्या टेक्सटेक पे काम करना चाहिए अगर आप कॉलेज में हो। अगर आप कॉलेज नहीं हो तब भी ये टेक्सटेक जो है डिसाइड करेगा कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड डेवलपर बनना है। तो इस चीज़ के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा दैट आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है, उसके बेसिस में
आप ही डिसाइड करोगे कि आप फ्रंट एंड के आगे जाओगे या बैक एंड की तरफ आगे जाओगे। अब वो आप कैसे करोगे, लेट मी टेल यू। आप सिंपल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करोगे फ्रंट एंड, आपने HTML सीखी, CSS सीखी, JavaScript, React JS सीखी, प्रोजेक्ट बनाने हैं साथ साथ में, बट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, नॉट एज अ मेजर प्रोजेक्ट। आपने सब कुछ सीख लिया, वन एक साल में कह रहा हूँ बहुत होता है गाइस, तीन साल का कॉलेज BCM, तीन साल आपका कोर्स होता है, ये इतना टाइम होता है कि आप वेब डेवलपमेंट छोड़ो, आप BTech की तैयारी भी कर सकते हो। मतलब अगर आप ढंग से तीन साल यूटिलाइज करो, आप BTech MTech वाले बच्चों को तो चुटकियों के पीछे छोड़ दोगे किसी भी चीज़ में। कहते हैं डेडिकेशन अगर किसी चीज़ के लिए दोगे आप, तीन साल में कहूँगा बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इवन हद से ज़्यादा टाइम आपको दिया गया है कंपेयर टू BTech स्टूडेंट, जहाँ पे चार साल का उनका कोर्स होता है, दुनिया भर की चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वहीं पे आपको एक चीज़ सीखनी है खाली। मतलब मैं कह रहा हूँ BTech में अगर चार साल में आपको 12 चीज़ें सिखा रहे हैं ना, BCA में आपको पूरे तीन साल में सिर्फ एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और अगर आप तीन साल में वो एक चीज़ नहीं कर सकते, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि दैट यू आर द वन हु कैन बी सर्वाइव एज अ डेवलपर और नॉट, क्योंकि तीन साल में कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होता है अपने आप को टॉप नॉट्स बनाने के लिए। तो आपको पूरे तीन साल डिवाइड करने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने बताया फ्रंट एंड आप करो, सेकेंड ईयर में एक्सप्लोर बैक एंड, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में अगर दोनों करोगे ना कन्फ्यूज हो जाओगे। स्टार्ट विद वन स्टैक एंड फ्रंट एंड इज द मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट फास्टेस्ट वे टू गेट अ गुड जॉब इन इंडस्ट्री इन इंडिया, मैं कहूँगा स्पेशली। सेकेंड ईयर अब बैक एंड एक्सप्लोर करो, सेकेंड ईयर पूरा नहीं सिर्फ 6 महीने, क्योंकि अगर क्योंकि बैक एंड ऐसा होता है कि अगर 100 में से मोस्टली 70% स्टूडेंट्स फ्रंट एंड की तरफ जाते हैं, 30% से भी कमी होते हैं जो बैक एंड की तरफ जाते हैं, और 10% मैं कहूँगा जो बच जाते हैं वो फिर अपनी टेस्टिंग या QA की तरफ जाते हैं, क्योंकि बैक एंड इज क्वाइट हार्ड। पैकेज की अगर मैं बात करूँ, हार्डली 10% का फर्क है, हार्डली 10%। मतलब अगर आपको 1 लाख रुपये महीना फ्रंट एंड डेवलपर मिल रही है, बैक एंड डेवलपर को 1,10,000 मिलेगा। अब उस 10,000 के लिए आप कितनी मेहनत करोगे, मैथ सीखनी होगी, एल्गोरिथम, DSS लेके हर चीज़ पूरी आपको इन डेप्थ आनी चाहिए बैक एंड डेवलपर के लिए। जाहिर सी बात है कोई इतना सेंस नहीं बनता, बट अगेन यहाँ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि आपको फ्रंट एंड करना बैक एंड करना, आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्रंट एंड करना है मुझे या बैक एंड करना है मुझे। आपने 6 महीने में बैक एंड एक्सप्लोर कर लिया, क्योंकि फ्रंट एंड में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्टक होता है कंपेयर टू बैक एंड। अगर आपका फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, JavaScript, React JS, और उसके बाद अगर आप कोई और CSS लाइब्रेरी, लेट से बूटस्ट्रैप सीख रहे हो, 5 टेक्स्टक सीख रहे हो आप, वहीं बैक एंड में Node.js है या फिर जावा है, बट हाँ ये दोनों 5 के बराबर है, मैं इस पर मनाई नहीं कर रहा, बट एक या दो टेक्स्टक होते हैं हार्डली, उसके ऊपर इतना आपको इतना ज़्यादा टेक्स्टक में एक्सप्लोर नहीं करना होता, आपको एक टेक्स्टक में इन डेप्थ पढ़ना होता है, बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर ये होता है। सो आपने अब देख लिया 1.5 साल में पूरा कि आपको फ्रंट एंड भी देख लिया और बैक एंड भी देख लिया, नाउ यू विल बी एबल टू डिसाइड कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। नाउ वट एवर थिंग यू हैव डिसाइडेड, जो नेक्स्ट 6 महीने होंगे, आपने 1.5 साल में तो देखा, पहले आपने दोनों को प्रैक्टिस करी, दोनों में मिनी मिनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए आपने, आपने काम किया, यू हैव नाउ एक्सपीरियंस। अब आपको उसके बाद जो टेक्स्ट का फाइनल करोगे उसके साथ आप आगे जाओगे। अगर आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ रहा है, देन दिस इज ब्रिलियंट, मैं कहूँगा कि आप खुद का भी एक एप्लीकेशन बना सकते हो, तो आप यू वुड नॉट बी टू डिपेंड एनीवन एल्स। आपको जॉब नहीं मिल रही, यू कैन मेक योर लाइव योर ओन वेबसाइट एनी फीचर, बिकॉज आप अगर फुल स्टैक डेवलपर हो देन यू डोंट हैव एनी लिमिट्स। इवन आप ये चीज़ शो ऑफ करके जॉब में किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं कि वो फ्रंट एंड बैक एंड सीखें, दोनों का साथ में फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। यहीं अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई करो, बट वहाँ पर ये दिखाओ कि आपको बैक एंड भी आता है, दैट वुड बी अ पर्क फॉर यू। फॉर HR को बताओ कि ये तुम्हारे लिए ही पर्क है कि मुझे फ्रंट एंड आता है बट साथ में बैक एंड भी आता है जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको बैक एंड अच्छा लगता है तो बैक एंड में जाओ, पर वहाँ पे एडिशनल दिखाओ कि मुझे फ्रंट एंड भी आता है, मैं फ्रंट एंड भी कर सकता हूँ। कहीं करूँ कहीं आप फंसते हो, ऐसा नहीं है कि मैं साइड हो जाऊँगा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे आप इन दो इंडिविजुअल फील्ड में भी दो चीज़ दिखा के एंट्री ले सकते हो विद हायर पैकेज। तो ये तो हो गया आपका टेक्सटेक का। टेक्सटेक में अगेन मैं जो बताया आपको मैंने HTML, CSS, React.js या मन स्टैक, मीन स्टैक, जो जैसा आपको सही लगे, आपको वो खुद एक्सप्लोर करना है, खुद देखना है। ये किसी की बात पर सुनो आप, कोई आपको बताएगा वो क्या करना है, आप कुछ नहीं कर पाओगे उससे। आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू कम्प्लीट ऑल योर लाइक वट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू डू एज अ फ्रंट एंड डेवलपर और एज अ बैक एंड डेवलपर। तो ये तो हो गया आपको टेक्सटेक की बात। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट आपको कैसे करना चाहिए ड्यूरिंग योर कॉलेज टेन्योर, या फिर अगर पास आउट हो चुके हो तो अगेन ये टेक्सटेक जो मैंने बताया ना, या सेम फॉलो आप भी कर सकते हो, बट हर 1.5 साल नहीं है फॉलो करने के लिए। तो आप क्विकली की अगर बात करूँ तो आप फ्रंट एंड की तरफ जाओ,
HTML, CSS, JavaScript, React, JS, Redux, ये पांच चीज़ें सीख लो, यू विल बी, मैं कहूँगा फॉर द नेक्स्ट एक से दो महीने, आपने जब पूरा सीख लोगे आपके एक से दो महीने में जॉब लगने के लायक आप आराम से हो जाओगे। तो ये तो हो गया आपको टेक्सचर की बात। बात करूँ प्रोजेक्ट की, अब प्रोजेक्ट कैटेगरी लेट से ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, अब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा वो सिर्फ UI पे काम करेगा, जो बैक एंड डेवलपर होगा वो बना बना UI टेम्पलेट ऑनलाइन से डाउनलोड करेगा और उसका बैक एंड डेवलप करेगा, और जिनको दोनों करना है वो फिर दोनों बनाएंगे, फ्रंट एंड भी बनाएंगे और बैक एंड भी बनाएंगे। तो मतलब प्रोजेक्ट का नाम मैं एक बता रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर टेक स्टैक आप वो चूज कर सकते हो कि आपको फ्रंट एंड करना है या बैक एंड करना है या दोनों करना है। तो लेट्स से फर्स्ट इट वुड बी योर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं कहूँगा ये प्रोजेक्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है टू गेट अनलिमिटेड कॉल बैक फ्रॉम द HR, क्योंकि फ्रेशर के रेज्यूम में जब ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं ना, मैं बता रहा हूँ HR पागल हो जाते हैं, क्योंकि 100 रेज्यूम होते हैं ऑब्जेक्टिव एजुकेशन स्किल्स खत्म, वही आपका एक रेज्यूम है कि आपने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 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 एंड देन एजुकेशन या स्किल वगैरह, HR विल हाईली प्रेफर यू ओनली। तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना, एटलीस्ट आपको 4 से 5 प्रोजेक्ट में रेज्यूमे के अंदर ऐड करने हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट रेज्यूमे के टॉप पे होने चाहिए, नॉट एट द बॉटम, जो मेन चीज़ है वो हमेशा टॉप पे रखते हैं। एजुकेशन स्किल वगैरह आप एंड में रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट में पहला ई कॉमर्स हो गया, सेकेंड प्रोजेक्ट आप बना सकते हो रिएक्ट, अगर आप सीख रहे हो तो रिएक्ट API यूज़ करके वेदर ऐप, इमेज सर्च ऐप ऐसे बना सकते हो। अगर आप नोट जेएस सीख रहे हो देन यू कैन बिल्ड एन API, लेट्स से आपने एक डेटा कहीं से आपको रॉ डेटा मिला है, उस रॉ डेटा को आप API में कन्वर्ट करोगे और वो डिस्क्राइब करोगे आपने कैसे बनाया प्रोजेक्ट GitHub में कोड डाल के सारा, और उसके अगेंस्ट जो जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ या जो जो आप बना रहे हो मेक श्योर वो सारे प्रोजेक्ट GitHub के अंदर हो और फ्री होस्टिंग सर्विस के थ्रू लाइव कर रहे हो, फिर चाहे वो आप GitHub यूज़ कर लो, चाहे आप Heroku यूज़ कर लो, 000 वेब होस्ट यूज़ कर लो, Netlify यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ करो, बट मेक श्योर आपके सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन लाइव भी हो, कोड GitHub के अंदर भी हो। ये दोनों चीज़ें अपने रेज्यूमे के प्रोजेक्ट के साथ में ज़रूर ऐड करना। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने टीम मेंबर्स का नाम भी वहाँ पे ऐड करो, और GitHub के प्रोफाइल अगर लिंक डाल सकते हैं तो वो डाल दो। ये क्या दिखाता है दैट यू आर अ टीम प्लेयर, और मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री में ये बहुत प्रेफर करता है अगर आपको कोडिंग आती है और यू नो हाउ टू वर्क इन अ टीम, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इंडस्ट्री में आपको अगर आती भी होगी ना अपने रेज्यूमे में ढंग से नहीं बता पाते हैं, दैट्स जहाँ मार खा जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट की बात, आई एम सॉरी मैं आपको बाकी प्रोजेक्ट बताना भूल ही गया, दो तो आपके हो गए आपके वेदर ऐप और आपका एक ई कॉमर्स, थर्ड प्रोजेक्ट वुड बी योर ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग मतलब आपको ऑनलाइन medium.com हो गया या कोई भी आपको जो ब्लॉग पसंद आता है उसकी ब्लॉग की सेम कॉपी बना सकते हो, जहाँ पे आप क्रड ऑपरेशन क्रिएट रीड अपडेट डिलीट क्रड ऑपरेशन के बेसिस में एक ब्लॉग वेबसाइट बनाओगे। एक एडमिन पैनल होना चाहिए जहाँ पे आप क्रिएट कर सको एक पोस्ट, उसको रीड कर सको पोस्ट को, उसको अपडेट कर सको और उसको डिलीट भी कर सको। अब ये प्रोजेक्ट दोनों के लिए है, फुल स्टैक के लिए भी है, फ्रंट एंड के लिए भी है, बैक एंड के लिए भी है। यहाँ फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे कर सकते हैं उनको करना पड़ेगा कोलैबोरेशन, तो यही भी आ जाता है टीम वर्क कि दो बंदे मिलके एक फ्रंट एंड डेवलपर एक बैक एंड डेवलपर दोनों मिलके एक ब्लॉग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपने रेज्यूमे में डाल रहे हैं, अपने GitHub में डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं दैट दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन। ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं HR के सामने। तो ये तो आपका हो गया थर्ड प्रोजेक्ट। फोर्थ प्रोजेक्ट आप बना सकते हो एक अपना खुद का पोर्टफोलियो, डेवलपर्स पोर्टफोलियो, और ये बहुत ट्रेंडिंग है, इसको तो अपने नाम के नीचे भी लगाते हैं, जो मैं भी खुद लगाता हूँ, अगर रेज्यूम टेबल देखोगे मेरे नाम के नीचे ही मेरा डेव पोर्टफोलियो होता है। दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ रेज्यूमे कह सकते हो, ई रेज्यूमे, जो एक प्रोजेक्ट की तरह भी काम करता है और आपका बताता है दैट यू आर अ टेक गाय। तो आप ऐसे 4 से 5 प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट रेज्यूमे। अब बात करते हैं मेन चीज़, हाउ यू विल गेट जॉब इन इंडस्ट्री। अगर ऑन कैंपस इंटरव्यू चल रहा है, जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं आपको, ये चीज़ें करके जाओगे यू विल गेट 101% कॉल बैक फ्रॉम द HR। उसके बाद जो राउंड्स होते हैं, राउंड देखो रिस्पॉन्स आना ही बहुत मुश्किल होता है, वंस यू गेट अ रिस्पॉन्स देन ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। मैं ये चीज़ लेकर दूँ, ये चीज़ कोई नहीं सिखा सकता आपको। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन, उसका आंसर तो आपको देना है ना। हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि होता क्या है, बट उसका आंसर तो आप ही दोगे, वो आंसर आप कैसे दोगे ये अभी आपके ऊपर है। ये अगर मैं कितनी बार आपको बता दूँ, बट इंटरव्यू के दौरान आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको क्या बता सकता हूँ, कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन आने के, नॉट द प्रॉपर इंटरव्यू। तो पॉसिबिलिटीज जानने के लिए अगेन मैं बाकी वीडियोस बनाता ही अपने इंटरव्यूज की, जो आप देख सकते हो, मैं पॉसिबिलिटीज ऑफ बहुत बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए। तो ये तो आपको हो गया आपका ऑन कैंपस। बात करते हैं ऑफ कैंपस आप कैसे अप्लाई करोगे। द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इज LinkedIn एंड Naukri.com।
इन दोनों में आप जाके सर्च कर सकते हो कौन सी कंपनी ने अभी रिसेंटली जॉब डाला है फॉर फ्रेशर, या फिर आप अलर्ट लगा सकते हो, नहीं तो आप एचआर के साथ लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई जस्ट पास आउट, सो इफ देयर इज एनी अवेलेबिलिटी प्लीज लेट मी नो। इससे बोलते हैं पर्सनल कनेक्शन बनाना। वंस यू स्टार्ट गेटिंग पर्सनल विद एचआर, उनके वो उनको कनेक्ट आपने कर लिया, उनका उन्होंने मैसेज डाल दिया, वो फिर बाद में जो भी पोस्ट डाल रहे हैं एचआर उन पोस्ट को लाइक करो, उसमें कमेंट करो, अपने आप को हाईलाइट करो। ये तरीके होते हैं कनेक्शन बनाने के। वंस यू बिल्ड द कनेक्शन, जब कभी भी कोई पोजीशन आएगी वो एचआर के दिमाग में होगा दैट यू आर द पर्सन हु वाज आस्किंग एंड वो आपके पास जरूर आएगा। सो दैट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट टू गेट एन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। सो ये तो हो गया आपका प्लेसमेंट की बात। अब आते हैं लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकेज। क्या पैकेज हो सकता है? तो पैकेज इज टोटली डिपेंड कि आप एमएनसी में जा रहे हो, आप स्टार्टअप में जा रहे हो या बड़ी कंपनी में जा रहे हो, या फिर लेट्स से आप सर्विस बेस में जा रहे हो या प्रोडक्ट बेस कंपनी में जा रहे हो। अब एज अ फ्रेशर ये हमारे ऊपर नहीं होता। इस फ्रेशर में क्या होता है यार, कंपनी जॉब देती बहुत कम है वैल्यू आता हो, अब जो दे रही है वहाँ भी आप कहोगे यार मैं इसमें नहीं जाऊँगा मैं इसमें नहीं जाऊँगा, तो ये हम नहीं कर सकते। दैट्स इज अ वेरी वेरी बिग चांस, और मैं कहूँगा कहीं एक गलती और आपका करियर खराब। यस, देखो स्विच कभी भी कर सकते हो आप। आपने अगर आज सर्विस बेस कंपनी ज्वाइन करी है तो प्रोडक्ट बेस कंपनी में कभी भी स्विच कर सकते हो। अगर आपने प्रोडक्ट बेस कंपनी काम ज्वाइन करी है तो किसी भी टर्न में किसी भी पॉइंट पे सर्विस बेस कंपनी में भी स्विच कर सकते हो। तो मैटर पॉइंट पहले ये करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जॉब मिले, अब कहीं भी मिले बस जॉब मिले। तो एक तो चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। उसके बाद हाँ, अगर आपको दो से तीन कंपनी से ऑफर लेटर आ चुका है और उन्हें कौन सी कंपनी में जाना चाहिए वो फिर आपके ऊपर है। अगेन यू नीड टू डू रिसर्च कि किस कंपनी में अच्छी फंडिंग है, सैलरी बढ़िया कौन दे रहा है, मेरे आने जाने का खर्चा क्या बैठेगा, बाकी सब एक्सपेंस देख के आप डिसाइड कर सकते हो वो चीज़। तो इसको हम रखते हैं साइड। बट बात करते हैं कि एक एवरेज सैलरी एज अ वेब डेवलपर इंडिया में क्या है। तो एवरेज सैलरी एज अ फ्रेशर इज 3 लाख to 5 लाख। तो आपको एवरेज सैलरी से ऊपर रहना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरी कम से कम सैलरी 6 लाख रुपये कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम लगे। 6 लाख नहीं लग रही तो 5 लाख लास्ट, उससे नीचे का वो लग रही है आज की डेट में। मैं बता रहा हूँ, मेरे 4 साल पहले भी मैं बोलता था ना किसी को कि 3.5-4 लाख लग जाए बहुत है। तो 4 साल पहले की बात है, अब तक कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ के रेट कितने बढ़ चुके हैं, एंड इन्फ्लेशन आपको खुद को पता ही है। तो इन सबको चीज़ देखने के बाद कम से कम मैं कहूँगा 5 लाख से नीचे जॉब लगना मतलब यू आर वर्किंग अंडर वैल्यू। अगर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही एंड एट लास्ट यू होल्डिंग पैकेज ऑफ 4 लाख 4.5 लाख, टेम्प्रेरी बेस में ले लो, बट 6 महीने 7 महीने 8 महीने एक्सपीरियंस गेन करने के बाद स्विच द जॉब। तो एक तो मेरा यहाँ से आपको ये सजेशन ये रहेगा। अब दूसरी चीज़ बताऊँ कि और कैसे आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो। तो एज अ फ्रेशर यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें आती हैं नेगोशिएट करने की, क्योंकि फ्रेशर के पास हमारे इतने वो नहीं होते पावर कि हम उसे नेगोशिएट कर सकें। बट हाँ, आप ये कह सकते हो आई विल लेट यू नो, ऑफर लेटर ले लो। मतलब लेट यू नो का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बोल दो भैया ठीक है मैं बता दूंगा, जस्ट टेल देम ओके जस्ट गिव मी 1 मंथ टू ज्वाइन, मीनवाइल प्लीज सेंड द ऑफर लेटर। या बताना नहीं होता आपको, ऐसे लैंग्वेज में बोलना कि ठीक है आप ऑफर लेटर ले लो कि मेरे कॉलेज चल रहा है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं 1 महीने में ज्वाइन कर लूँगा। आपके पास ऑफर लेटर आ गया, अब उस ऑफर लेटर यूज़ करके किसी और कंपनी में इंटरव्यू दो, उस ऑफर लेटर को वहाँ दिखाओ एंड कहो कि मुझे ऑलरेडी 4 लाख का पैकेज मिल रहा है, आप बताओ आप मुझे कितना दोगे। सो दिस इज़ द वे टू गेट हाई पैकेज। तो यहाँ पे बस मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम इंटरवल, और यहाँ पे आपको बहाने बहाने होते हैं। ये बताना नहीं होता कि मैं किसी और कंपनी में जॉब इंटरव्यू दूंगा, मुझे अपना एचआर दे दो, सॉरी अपना मुझे ऑफर लेटर दे दो, ये कोई नहीं देता, सबको पता है, सभी कहते हैं, तो ये बहुत कॉमन है, बट बता के नहीं करता कोई, इसे एक प्रोफेशनल वे से करना होता है। सो आपको लग रहा है आपको सैलरी कम मिल रही है, आपको 3 लाख 3.5 लाख पैकेज मिल रहा है, जस्ट टेल देम मेरे एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो इफ पॉसिबल जस्ट गिव मी एन ऑफर लेटर और मैं जैसे मेरे एग्जाम खत्म होंगे मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, और मीनवाइल यू कैन लुक आउट फॉर अदर कंपनीज। सो दिस इज द बेस्ट वे टू गेट हायर पैकेज। सो आई होप गाइस आपको पूरा एक इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दे दिया है, कोर्सेज कौन से करने चाहिए, कैसे आप अपने टेक स्टैक चूज करोगे, आपके प्रोजेक्ट आपकी क्या कैसा उसमें अप्लाई करोगे, और सैलरीज इनसाइड। अब एट लास्ट अगर मैं बताऊं कि यार फ्यूचर है या नहीं, सिंपल क्वेश्चन का आंसर, फ्यूचर हर चीज़ का है, किसी भी चीज़ का फ्यूचर ऐसा नहीं होता, नहीं होता, हर फील्ड में अच्छी सैलरी होती है, हर फील्ड में ग्रोथ होती है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। डिग्री, कोर्स, प्रोजेक्ट, ये सब बात की बात है, पहले आपको खुद के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट यू कैन डू दैट, दैट्स इट, नथिंग कैन स्टॉप यू आउट। सो आई होप गाइस वीडियो को पसंद आई होगी, अभी तक एंड तक अगर आपने देखा है तो आई एम श्योर कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और मिल गए हैं तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ भी सपोर्ट दिखाइए,
एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे वीडियो के अपडेट रहने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।